न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे सोने चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश। कहते हैं चुनाव पास आते ही तमाम सरकार की योजनाएं गरीबों को चाशनी की तरह खुद ब खुद चिपकने लगती हैं। और चिपके भी क्यों ना, क्योंकि चुनाव की चाशनी नेताओं को जो चाटनी है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अक्सर अपने बयानों में प्रदेश के मुखिया शिवराज को कलाकार और बॉलीवुड में एक्टिंग करने की बात कहा करते हैं, लेकिन आज उनकी यह बात सच होती दिख रही है। यह हम नहीं कह रहे, यह तो तस्वीरें बयान कर रही हैं। खबर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से जुड़ी है। जहां खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है, ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां के दौरे पर थे। बीती रात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बैंड मास्टर तुकाराम के घर अचानक पहुंचकर रात्रि भोजन का लुफ्त उठाया और यही बैंड मास्टर तुकाराम के घर रात गुजारी। प्रधानमंत्री आवास योजना में बने तुकाराम के मकान का जायजा लिया, जहां उसके यहां दो कमरे होना पाए गए। जहां एक कमरे में तुकाराम और उसकी पत्नी, बेटा और बहू रहे, वहीं दूसरे कमरे में शिवराज यानी प्रदेश के मम्मा खटिया डालकर रात भर आराम करते रहे। सुबह जैसे ही आंख खुली तो मानो कैमरा शुरू हो गया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह खुद ही शेविंग करते नजर आए। वहीं सुबह बहादुरपुर मंदिर में दर्शन कर चुनावी यात्रा शुरू की। इतना ही नहीं, जिस गरीब तुकाराम के घर प्रदेश के मुखिया शिवराज रुके थे, यहाँ 56 प्रकार का उन्होंने भोजन ग्रहण किया। जबकि 2 साल से घर का मुखिया बैंड बाजा छोड़ बिना रोजगार के घर पर बैठा है, उसने भी प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह से शादी विवाह में फिर से बैंड बाजा बजाने की अनुमति मांगी। इस पर मुख्यमंत्री का कहना है कि जल्द ही बैंड बाजे भी शुरू कर दिए जाएंगे। फिलहाल खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव है, ऐसे में इस तस्वीर को आप गरीबों का दुख बांटना कहेंगे या फिर इसे महज एक चुनावी स्टंट कहा जाएगा, आप क्या कहते हैं? प्रदेश के मुखिया का यह अनोखा अंदाज देखकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।